हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको शीर्ष आसन का अभ्यास करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से शीर्ष आसन को लगाएंगे। जो लोग शुरुआती हैं यानी बिगनर्स हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि शीर्ष आसन किस तरीके से लगाया जाता है, और अगर वो गलत तरीके से फिर अभ्यास करते हैं तो उनको चोट भी लग सकती है, गर्दन की नस चढ़ सकती है, सर्वाइकल हो सकता है, कमर में चोट आ सकती है, इस तरीके की काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप वॉल के सपोर्ट से जाते हुए शीर्ष आसन का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे फिर उसको स्टेबल करते हुए कैसे अपने ऊपर संतुलन बनाना है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और इसी के साथ साथ आपको इसके क्या क्या लाभ होंगे शीर्ष आसन के, वो भी मैं आपको बताऊँगी, और क्या क्या हानियाँ यानी सावधानी करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शीर्ष आसन के लाभ क्या क्या होते हैं। शीर्ष आसन का सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि जिनके बाल झड़ते हैं यानी बालों की झड़ने की समस्या है, उनको दूर करता है। और इसके अलावा शरीर में और सिर में, खासकर हमारे सिर में रक्त परिसंचरण तंत्र को यानी रक्त का प्रवाह हमारे सर में बढ़ाता है, जिससे हमारे आँख, नाक और कान तीनों चीज़ पर फर्क पड़ता है और उस तक लाभ भी पहुँचता है। और इसके साथ साथ जिनको अनिद्रा यानी नींद नहीं आती है, उनकी समस्या को भी दूर करता है। साथ साथ में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी जिनका डाइजेशन कमज़ोर होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और साथ साथ में हमारे शरीर का जो संतुलन है, उसको संतुलन को अच्छा बनाने में भी बहुत हद तक मदद करता है शीर्ष आसन। और इसके साथ साथ जब आप शीर्ष आसन करते हैं तो जो आपका ब्लड का फ्लो है वो आपके फेस तक आता है, और जब आपके फेस तक आता है तो अच्छी तरीके से जब ब्लड जाता है तो उससे फेस और आपकी जो स्किन होती है वो और भी ज़्यादा शाइनिंग, चमकदार हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे लाभ जो कि शीर्ष आसन को लगाने से हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अब मैं हानियाँ बताती हूँ, खासकर जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम रहती है या नॉर्मली सर्दी जुकाम हो रहा है, उनको अवॉइड करना है। यानी सर्दी जुकाम में इसको नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे सर दर्द भी रहता है, जुकाम रहता है, तो उससे आपके नोस्टल्स ब्लॉक हो सकते हैं, यानी ब्लॉकेज की वजह से सांस फिर रुक सकती है, इसलिए ये दिक्कत आपको होगी, इसलिए वो लोग अवॉइड करेंगे। और साथ में जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी कब्ज की समस्या रहती है, उनको भी अवॉइड करना है शीर्ष आसन। साथ साथ में जिनको सबसे बड़ी दिक्कत सर्वाइकल है यानी गर्दन का दर्द है, उनको भी अवॉइड करना है, क्योंकि इससे प्रेशर आपके गर्दन पर भी आता है, इसलिए आपको अवॉइड करना है। और इसके साथ साथ अगर आपके कमर में दर्द रहता है यानी कमर का दर्द ज़्यादा है, तब भी आपको अवॉइड करना है शीर्ष आसन। और इसके साथ साथ अगर आपको प्रेगनेंसी है यानी आपको प्रेगनेंसी हो रही है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं करना है, महिलाएं ध्यान देंगी। और दूसरी चीज़, आपको पीरियड्स के टाइम पर तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी सावधानियाँ जो कि आपको शीर्ष आसन करने से पहले बरतनी पड़ेंगी या आपको नहीं करना पड़ेगा उन कंडीशनों में। तो दोस्तों, अब आप वीडियो देखेंगे किस तरीके से मैंने शीर्ष आसन के बारे में बताया है कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, अच्छी तरीके से करेंगे समझते हुए, गलत स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि एक गलत स्टेप आपको हानि दे सकता है, आपको दर्द दे सकता है, पेन दे सकता है, इसलिए अच्छे से आपको फॉलो करते हुए जाना है। और साथ साथ में आपको वीडियो कैसी लगेगी लास्ट में देखने के बाद ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे, ताकि इसी तरह के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचते रहे। आ जाएंगे जल्दी से अपनी मैट पर, बैठ जाएंगे वज्रासन में इस तरीके से, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, अच्छी तरीके से हाथों की ग्रिप बनानी है। अब यहीं से हेड के मिडिल पार्ट पर अपने दोनों हाथ को इंटरलॉक करते हुए सेट कर लेना है, देख लेंगे इस तरीके से, अच्छी तरीके से ग्रिप बना के रखना है आपको, ध्यान रखेंगे ग्रिप आपकी मजबूत रहनी चाहिए, देख लेंगे इस तरीके से, पूरा आपका एक अच्छा सा लुक तैयार हो जाना चाहिए। अब ही इसे दोनों हाथों को टेक देंगे अपने मैट पर, घुटनों को उठा लेंगे, धीरे से अपने धीरे धीरे फीट को वॉक करते हुए आगे की ओर लेकर आएंगे और अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेंगे, यानी धीरे से अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए आना है, पैर मुड़े हुए रहेंगे, धीरे धीरे पैरों को खोलते हुए इस तरीके से लेके जाना है वॉल पर, ये बिगनर्स के लिए है, वॉल के सपोर्ट से। फिर धीरे से एक लेग को उठाएंगे, फिर दूसरा लेग धीरे धीरे हटाते हुए आना है, स्टार्टिंग में थोड़ी गलतियाँ होंगी पर धीरे से ऐसा करते हुए आपका बैलेंस बन जाएगा,
शीर्षासन में आते हुए अपने पेट को एकदम टाइट रखना है, जिससे कि पूरा आपका बैलेंस बन सके, यानी ऊपर से नीचे तक का पूरा अच्छा बैलेंस तैयार हो जाना चाहिए। फिर धीरे से लेग को, एक लेग को नीचे लाएंगे, दूसरा लेग को नीचे ले आएंगे और आ जाएंगे यहीं से शशांक आसन में। रेस्ट कर लेंगे 15 से 20 सेकंड तक।